डियर फ्रेंड्स, मैं निखिल पांडे आज एक इंग्लिश ग्रामर की नई और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, मैंने टेंस आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है और इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपके नरेशन, उसके बाद फिर आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, री अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये सारे मैंने ही आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच, ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिगर ऑफ स्पीच आपके 7 टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। काफी मजेदार टॉपिक है ये, काफी अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और मैं उतने ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियोज की तरह जैसे मुझे आप लोगों का स्नेह और प्यार मिला, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी मिलेगा। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इससे आपके 2 से 3 मार्क्स में भी आपको, मैं श्योर नहीं हूं, बट इतने मार्क्स आपके आते ही हैं। ठीक, तो इसमें आपको सिर्फ 3 वीडियोस मैं दूंगा, और इन 3 वीडियोस में मैं आपको पूरा फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको कहीं भी और जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। ठीक है, और जब सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाए तो आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको काफी अच्छे से डिफाइन कर पाऊं, काफी अच्छे से समझा पाऊं, और आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें काफी कुछ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब फिगर ऑफ स्पीच आपका पढ़ा रहा हूँ मैं। फिगर ऑफ स्पीच आपका जैसे ही कंप्लीट कराऊंगा, फिर आपको मैं लेटर का प्रैक्टिस कराऊंगा, लेटर राइटिंग का। फिर ऐसे कैसे लिखें, ऐसे किस किस टॉपिक्स पर आ सकता है, ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद फिर अनसीन पैसेजेस मैं उठाऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मैं वो बताऊंगा। सिंटेक्स और सिंथेसिस के लिए मुझे काफी मैसेजेस आ रहे हैं, तो ठीक है, फिर मैं आपको सिंटेक्स और सिंथेसिस भी पढ़ाऊंगा। यानी कि आपका ये जो वीडियो सीरीज मैं चल रहा हूँ लेकर के, सब कुछ इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ एकदम कंप्लीट आपका कराया जाएगा। तो आप इसके लिए एकदम भी टेंशन ना लें कि सर आप हमें ये पढ़ाएं वो पढ़ाएं, बस जितना पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे बोलते हैं ना उसको, कि एकदम मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक, क्योंकि यही आने वाले टाइम में आपको काम देने वाला है। ठीक, तो चलिए फिगर ऑफ स्पीच यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो अलंकार स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, और हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं किसे, व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। तो अब फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। ठीक, तो अलंकारों के प्रयोग से भाषा में सरलता, फ्लो बोलते हैं उसको ना, प्रवाह और सौंदर्य का क्या होता है, समावेश हो जाता है। ये इसका डेफिनेशन होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि फिगर ऑफ स्पीच के प्रयोग से भाषा में सरलता, प्रवाह और सौंदर्य का क्या होता है, समावेश हो जाता है। या फिर फिगर ऑफ स्पीच डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेट इफेक्ट, ग्रेटर इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके 7 काइंड होते हैं, 7 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो फिर आइए उसके बारे में हम जानते हैं कि 7 कौन कौन से होते हैं। आपका पहला तो होता है सिमिली, दूसरा मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड एनोमेटोपोइया। ये आपके 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं, आपको मैं इसका हिंदी भी बता दूं, क्योंकि आप लोग काफी परेशान हो रहे होंगे, सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिमिली को हिंदी में क्या बोलेंगे, ये कौन सा अलंकार है, मेटाफर कौन सा अलंकार है, तो पर्सोनिफिकेशन कौन सा अलंकार। तो ऐसे कर करके आपके मन में जो डाउट्स हैं उसको मैं पहले क्लियर करा देता हूं, तो मैं सबका हिंदी आपको बता देता हूं। ठीक, तो देखिए सिमली को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपमा। सिमली को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। ये आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक, बात करें मेटाफर का, तो मेटाफर को हम क्या बोलते हैं, मेटाफर का मतलब होता है आपका रूपक। मैं ऊपर लिख देना, साइड में कहीं भी लिख लेना ना, जगह देख कर। तो सिमिली यानी कि उपमा अलंकार, मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार। और इस वीडियो में हम सिमिली और मेटाफर के बारे में जानेंगे, इन दोनों
का डेफिनेशन, इन दोनों का एग्जाम्पल हम जानेंगे, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए वीडियो, तो आप लोग स्किप ना करें इस वीडियो को। और जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आप पढ़ाई करें। फिर देखिए, पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन तो आप लोग भी गेस कर सकते हो, आप लोग भी बता सकते हो कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पर्सोनिफिकेशन जैसा नाम से समझ में आ रहा, पर्सन पर्सन आ रहा है ना, पर्सन यानी कि मानव, मानव यानी कि आदमी, तो बस पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, ठीक। एपेस्ट्रोफी, एपेस्ट्रोफी कौन सा अलंकार हो गया ये एपेस्ट्रोफी का? अच्छा, हम लोग एपेस्ट्रोफी का यूज करते क्यों है? किसी का संबोधन करने के लिए ना, किसी को संबोधित करने के लिए। तो एपेस्ट्रोफी का क्या हो जाएगा हमारा हिंदी? ये हो जाएगा संबोधन अलंकार, ठीक। एकदम सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं। फिर आपका क्या हाइपरबोल, तो हाइपरबोल कौन सा हो गया? आप देखिए, लग रहा ना हाइपर कौन सा हो गया यार, अतिशयोक्ति। हाइपरबोल यानी अति संयोक्ति अलंकार, ठीक है। इसको बोलते हैं अति संयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो आपके पांच फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए, कौन कौन? सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, उपमा, रूपक, मानवीकरण, संबोधन, अतिशयोक्ति। दो बचे हैं आपके ऑक्सीमोरन और ओनोमैटोपोया। तो हम जान जाते कि इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में। तो ऑक्सीमोरन का हम बोलते हैं विरोधाभास। ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है? विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरन का विरोधाभास अलंकार। और एट लास्ट एनामोटोपोइया क्या होता है? एनोमेटोपोइया। इसको जल्दी कोई क्या स्पेल आउट भी नहीं कर पाता अच्छे से, कंफ्यूज रहते हैं लोग को क्या होता है ये, तो एनोमेटोपोइया बोलते हैं। इसको हम कौन सा अलंकार बोलते हैं? तो ये आपका होता है ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक। अच्छा, आप लोग लास्ट में अलंकार जरूर लिख लेना भाई, इसको हम अलंकार बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो आपको सारे अलंकार का ज्ञात हो गया कि कौन कौन से अलंकार हैं। तो एक बार फिर से आप देख लें, सात टाइप्स के होते हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, एनामेटोपोइया। हिंदी में अगर समझे तो उपमा, रूपक, मानवीकरण, संबोधन, अतिशयोक्ति, विरोधाभास और ध्वनि सूचक अलंकार। चलिए, अब जानते हैं सिमिली के बारे में कि सिमिली कहते किसे हैं। देखिए, मैं इसको हिंदी में आपके लिए डेफिनेशन लिखा हुआ हूँ, ठीक, अपने शब्दों में हिंदी में लिखा हुआ हूँ, ताकि आपको काफी अच्छे समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे समझ में आए, ठीक। तो इंग्लिश को वीक मत बनाइए, काफी स्ट्रांग बनाइए, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप पढ़िए। जितने एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं लिख के लीजिए, कि उससे बाहर से आपसे कहीं से भी कुछ नहीं पूछने वाला बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको पहचान करने को देते कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है क्लास में, अगर आपको मतलब एग्जाम में आ गया कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पहचानिए अगर एग्जाम्पल दे दे रहा है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि अरे यार ये कौन सा है, आप एकदम अच्छे समझ जाए। देखिए, और इसका डेफिनेशन भी आप याद रखिएगा। तो सिमिली वह अलंकार है, सिमिली को मैंने हिंदी में क्या बताया आपसे, क्या बोलते हैं? उपमा बोलते हैं ना, सिमिली को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार बोलते हैं, ठीक। तो जानते हैं, देखिए, सिमिली वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक बात में समान हो। इस चीज से आपको समझ में आ रहा होगा कि सिमिली का अर्थ ही है दो चीजों के बीच में तुलना करना। सिमिली का क्या अर्थ हो गया? सिमिली का अर्थ होगा दो चीजों के बीच में तुलना करना। तो सिमिली वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक बात में समान हो। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे कि आम बोल भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि यार राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों बड़े स्मार्ट हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है इन दोनों में? समानता किस चीज की हो गई? समानता इस चीज की हो गई कि दोनों बड़े स्मार्ट हैं। तो समानता हुई कि नहीं हुई? और दोनों क्या हैं? भाई हैं, ठीक। तो इस अलंकार में तुलना प्रकट करने
की शब्द करने वाले शब्द एज लाइक और सो का प्रयोग होता है। तो राम इज एज स्मार्ट एज श्याम या फिर राम इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर श्याम। ठीक, तो एक बार फिर से आप देख लो उसका, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो सिमिली वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक बात में समान हो। इस अलंकार में तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक या सो का प्रयोग होता है। अब आप एग्जाम्पल देखें और एग्जाम्पल एकदम अच्छे से याद कर लें। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यानी कि हमारा जीवन क्या है, एक सपने के समान है। तो लाइक हो गया, तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन यानी कि एक काले पत्थर के समान रात क्या है, अंधकार है। इस रात में इतना अंधकार है जैसे एक काला पत्थर। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू यानी कि वह इतनी ताजा है जैसे कि कोहरा या फिर ड्यू। अब देखिए यहां जिंदगी का कंपैरिजन किससे किया गया है, ड्रीम यानी कि सपने से। रात का कंपैरिजन किससे किया गया है, काले पत्थर से। और किसी लड़की का कंपैरिजन किससे किया गया, ड्यू से किया गया। यानी कि दो लोगों के बीच में क्या किया जा रहा, तुलना किया जा रहा है और लग रहा है कि समानता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कोयल सी आवाज है इसकी, तो कोयल से तुलना की जा रही है उनकी आवाज की ना। तो कंपेरिजन यहाँ पर क्या हो गया, सिमिली हो गया। ठीक है, काफी सारे बॉलीवुड में गाने भी निकले हैं, अगर आप सुनो ध्यान से तो फिर आपको उसमें भी सिमिली नजर आएगा ना। तो गाने सुनिए अच्छी बात है, और उसमें अगर सिमिली मेटाफर निकल जाए तो फिर क्या बात है। कोई पूछे क्या कर रहा हो, मम्मी बोलेगी पढ़ाई नहीं कर रहा, नहीं मम्मी मैं तो सिमिली और मेटाफर का ज्ञात कर रहा हूँ गाना सुन करके, तो काफी अच्छा बहाना मिल जाएगा ना। तो चलिए ये आपके तीन एग्जाम्पल्स हैं, और भी सारे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिसको कि आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। जैसे वर्ड्स आर लाइक लीव्स, जैसे कि एक आप सुनोगे फेमस है ये कि वर्ड्स आर लाइक लीव्स यानी कि शब्द क्या है, पत्ते के समान है। शब्द क्या है, पत्ते के समान होते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब हम दूसरा जो आपका अलंकार है मेटाफर जिसको हम रूपक बोलते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। उससे पहले जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोट मैंने आपके लिए लिखा था जो कि मैं खुद भूल गया था, तो आप ध्यान दें कि एक ही प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना सिमिली नहीं होती है। यानी कि एक ही प्रकार की जो दो चीजें हैं उसका अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, सिमिली नहीं होगा। जैसे मैंने बोला ना कि उसकी आवाज इतनी अच्छी है जैसे कि कोयल की, तो कोयल की और उसकी तुलना की जा रही है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, ही इज एज नोबल एज हिज फादर यानी कि वह वैसा ही है जैसा कि उसके पिताजी हैं। तो एक प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना सिमिली नहीं होती है। चलिए मेटाफर, मेटाफर को हम बोलते हैं क्या, रूपक अलंकार। आइए इसके बारे में देखें मेटाफर क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल आप समझ लें, इसका भी डेफिनेशन आप समझ लें, सिंपल है। मेटाफर वह अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना तो की जाए लेकिन तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग ना हो। इसमें क्या हो रहा था कि एज लाइक सो एटसेट्राज यूज हो रहे थे, किसमें, सिमिली, उसमें भी कंपैरिजन किया जा रहा था दो चीजों के बीच में। ठीक है, लेकिन उसमें इन वर्ड्स का यूज किया जा रहा था। बट मेटाफर में क्या होता है कि इसमें भी कंपैरिजन तो किया जाता है दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, लेकिन जो तुलना प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग ना हो। जैसे उसमें क्या था आपका सिमिली में, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यानी कि जीवन एक सपने के समान है, और इसमें क्या, लाइफ इज अ ड्रीम यानी कि जीवन एक सपना है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट यानी कि जो ऊंट है वो कहाँ का जहाज माना जाता है, रेगिस्तान का। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, लोग कहते हैं ना कि जो कश्मीर है वो भारत का, जो कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड के समान है। ठीक, क्योंकि वहां भी काफी बर्फबारी पड़ती है, यहाँ भी काफी बर्फबारी पड़ती है, वो भी काफी है। तो देखिए क्या हो रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है यहाँ पर, इंडिया के एक स्टेट का एक कंट्री से कंपेरिजन किया जा रहा है। यहाँ कैमल का कंपेरिजन शिप से यानी कि जहाज से किया जा रहा है, और यहाँ जीवन का कंपेरिजन ड्रीम से किया जा रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ पर ना तो एज का यूज हुआ है, ना तो लाइक का यूज हुआ, ना तो सो का यूज हुआ है। ठीक, तो ये डिफरेंस है मेटाफर और सिमिली में। तो अगर आप सिमिली के बारे में जानते हो, और ये देखिए डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम में पूछ देता है इसका डेफिनेशन लिखें तो रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आपको समझना है। ठीक, समझेंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब मेन बात कर लेते हैं कि मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या है, मेटाफर और सिमिली में अंतर क्या क्या है, इसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा,
वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो दो फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी के बारे में, ठीक। फिर उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हम करेंगे। तो देखिए, मेटाफर और सिमिली में मोटा मोटा तीन बात जान लीजिए कि क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उनके बारे में जानना तो ये तो अच्छी चीज है, लेकिन उनमें समानता क्या है और अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है, उसके बारे में आपको जानना है। तो सिमिली में मेटाफर की अपेक्षा अधिक शब्द होते हैं, सिमिली में मेटाफर की अपेक्षा क्या होते हैं, बहुत अधिक शब्द होते हैं, ठीक। अधिक शब्द जाहिर सी बात होंगे क्योंकि उसमें एज का यूज है, लाइक का यूज है, सो का यूज और इसमें नहीं है, तो जाहिर सी बात है, अच्छी पॉइंट है। फिर जो मेटाफर है वो सिमिली से अधिक प्रभावपूर्ण होता है, मेटाफर जो होता है वो सिमिली से अधिक प्रभावपूर्ण होता है। सिमिली में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जो दो शब्दों के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना होता है, उसका प्रयोग होता है, जबकि मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या है, तो आप सिर्फ एग्जाम्पल मत दो उनको, आप ये भी बताइए कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक। सिमिली में मेटाफर की अपेक्षा अधिक शब्द होते हैं, मेटाफर सिमिली से अधिक प्रभावपूर्ण होता है, सिमिली में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग होता है, जबकि मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं होता, दैट्स ऑल। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो इसमें क्या हो गए, मेटाफर से ज्यादा वर्ड्स आए, लेकिन प्रभावशाली कौन सा लग रहा है, लाइफ इज अ ड्रीम या फिर सिमिली में क्या था, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, ठीक। और मेटाफर में मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया या फिर द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, तो इसमें बताया जा रहा है, कंफर्मेशन की जा रही है, ठीक है। मेटाफर में कंफर्मेशन की जा रही है कि जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है, लेकिन सिमिली में क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है कि अरे यार, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, ठीक। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिगर ऑफ स्पीच में हमने पहले ये जाना कि फिगर ऑफ स्पीच हम किसे बोलते हैं, फिर हमने जाना है कितने टाइप्स के होते हैं, और इसमें दो टाइप मैंने आपको बताया, सिमिली और मेटाफर, और इनके बीच में कंपेरिजन भी मैंने आपको करके बताया, डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में बताया कि डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है और इन दोनों के बीच में समानता क्या है, ठीक। तो तीन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज बताए कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, उसको आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पर्सोनिफिकेशन एपोस्ट्रोफी के बारे में बताऊंगा, फिर इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका ऑक्सीमोरन, एनोमेटोपोइया और हाइपरबोल, सब आपका इकट्ठे खत्म करा दिया जाएगा। जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, फिर हम नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा। जितनी भी वीडियोस आपको चाहिए प्लेलिस्ट में हमारे मौजूद हैं, आप जाकर के 10th और 12th का इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस कैसी लगती हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, और किस किस टॉपिक्स पे, किस किस पॉइंट्स पर वीडियो आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर बताएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, इन इन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, तो उस पर आपको वीडियोस दिए जाएंगे। जितने मैं आपको एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ, करवा दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लें, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, इससे बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं पूछता है। अगर आपको बाहर से 3-4 और एग्जांपल्स मिल जाते हैं तो काफी अच्छी बात है, और अगर आपको चाहिए कि सर आप ही हमें और एग्जाम्पल्स बताएं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए, पर्सोनिफिकेशन हम कहते किसे हैं, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में आपके लिए डेफिनेशन मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक। मैं कम शब्दों में ज्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस टाइप से मैंने लिखा हुआ है। चलिए देखिए, पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है, वह अलंकार होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को, जो कि है ही नहीं, और विचारों को क्या कर लिया जाता है, सजीव मान लिया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, आपने आज तक ये एग्जाम्पल सिर्फ सुना होगा, देखा होगा, लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन आप इसके बारे में किसी से पूछो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो शायद ना बताएं। तो मैं बताता हूं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर का मतलब क्या हुआ, इसको आप लोग रिलेट कीजिएगा किसी पर्सोनिफिकेशन का, जो मैंने डेफिनेशन बताया उससे।
तो एक्सपीरियंस ऑफ द बेस्ट टीचर का मतलब क्या हो गया कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो क्या सबसे अच्छा टीचर यानी कि सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अब देखिए अध्यापक तो क्या लिविंग थिंग है, टीचर भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं तो लिविंग थिंग ही हूं ना, ठीक। और एक्सपीरियंस क्या है यानी कि अनुभव क्या है, ये निर्जीव है ना, सजीव तो है नहीं। टीचर क्या हो गया आपका, सजीव हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सपीरियंस आपका निर्जीव हो गया। तो जो इस वाक्य में अनुभव यानी कि निर्जीव वस्तु का जो अध्यापक बताया गया है, तो जैसे कि क्या करते हैं अध्यापक, जैसे कि मैं क्या करता हूं, हम आपको शिक्षा देते हैं, टीचर क्या करता है आपको शिक्षा देता है, उसी प्रकार क्या होता है अनुभव से भी हमें शिक्षा मिलती है, अनुभव से भी हमें क्या कर मिलती है, शिक्षा मिलती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूँ 4 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो टीचिंग का मतलब क्या हो कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, पढ़ाने से अनुभव हो रहा है ना, मुझे क्या हो रहा है अनुभव हो रहा है, ठीक। तो जिस प्रकार हम आपको क्या कर रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं, उसी प्रकार अनुभव से भी हम क्या करते हैं शिक्षा मिलती है, काफी कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको एक और एग्जांपल मैं दे दूं, तो लोग बोलते हैं ना कि दूध का चला छाजी फूक फूक पर पीता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने दूध पिया तो उन्हें एहसास हुआ, जब आप चाय पीते हो जीभ जल जाता है आपका, तो अगली बार से आप बहुत धीरे धीरे पीने लगते हो, तो आपको क्या करो एक्सपीरियंस किया ना, आपने एक्सपीरियंस किया कि यार नहीं जल गया तो फिर मुझे आराम से पीना चाहिए, ठीक। अब जैसे कि आग से जलने पर एक बच्चा अगर आग से जल जाए तो क्या कहता है, आग से बार बार वो दूर रहेगा, नहीं तो बच्चे को आप किसी चीज के लिए मना कर दो वो काम वो जानबूझ कर करता है, लेकिन एक बार जो परेशान हो जाएगा तो समझ जाएगा कि नहीं यार ये तो गलत है ही। तो इसी प्रकार हमें अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इस उदाहरण में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ, बता सकते हो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। फिर क्या है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, ये आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर डालती है, डेथ यानी कि मृत्यु लेज डालती है हिज आईसी हैंड्स, अपने बर्फीली हाथों को किंग्स, यानी कि क्या कर रही है, मृत्यु अपना बर्फीला राजाओं पर डालती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि राजाओं की मृत्यु हो जाती है, राजाओं की क्या होती है मृत्यु हो जाती है, तो डेथ क्या है निर्जीव है, तो वाक्य में जो डेथ है उसके लिए हिज का प्रयोग हुआ है, डेथ के लिए हिज का प्रयोग हुआ है। हिज हम लोग जानते हैं, अभी मैंने टेंस पढ़ाया था, तो हम लोग निर्जीव ने सजीव के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके आईसी हैंड्स यानी कि बर्फीले हाथ बताए गए हैं, किसके मृत्यु का, तो डेथ को सजीव मानने के कारण इस उदाहरण में भी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। फिर आपका लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, आप सब समझदार हैं यार आज के टाइम में, और इन शब्द का इतना ज्यादा आप लोग यूज कर लेते हैं कि इसके लिए आपको किसी भी शिक्षक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब अपने आप में एक बहुत बड़े शिक्षक है ना, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक, कि लव इज ब्लाइंड, लव प्यार अंधा क्यों है, ठीक। अब देखिए अगर एक तरीके से देखा तो लव क्या है आपका, ये निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, ब्लाइंड इसको क्या बताया गया, प्यार को अंधा बताया गया है, तो अंधा तो कोई इंसान है नहीं जो कि अंधा है, ठीक। तो बाकी तो एग्जाम्पल्स आप इसे भी समझ सकते हो, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वॉटर, अब कोई कह दे कि मैं पुत्री हूं पृथ्वी और जल की, तो कंपैरिजन कर रही है किस चीजों से, वो अर्थ आपका क्या है नॉन लिविंग थिंग है, वाटर भी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो होती है आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक ही बार गेट खटखटाती है, ठीक। तो क्या अपॉर्चुनिटी कोई लड़का है फिर लड़की है क्या, क्या क्या आपका गेट खटखटाएगी, जी नहीं। कहने का मतलब ये है कि मौका आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है जीवन में, मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, आप चाहो तो उसे अपना लो, बहुत अच्छा कर ले जाओ, और चाहो तो उसे ठुकरा दो। तो आपके हाथ में इस टाइम अपॉर्चुनिटी है क्या, आगे आपका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, आप चाहो तो बहुत ही अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, और अपने रिजल्ट से खुद भी खुश हो सकते हो, लोगों को भी खुश कर सकते हो, और चाहो तो बहुत बुरा करके खुद भी दुखी हो सकते हो और लोगों को भी दुखी कर सकते हो, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी कि ये भी कौन सा हो गया, वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तु में विचारों को सजीव मान लिया जाता है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अब तक तो आ गया होगा, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक। 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, 5 एग्जाम्पल मैंने लेकर के बताया, इन 5 एग्जाम्पल से बाहर से कहीं से भी कुछ भी नहीं आएगा।
फिर आपका एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने बताया था संबोधन अलंकार, तो एपोस्ट्रॉफी किसे कहते हैं, वह अलंकार जिसमें मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को या मानवीकृत पदार्थ यानी वस्तु या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। यानी कि एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार होता है जिसमें मरे हुए व्यक्ति को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, या फिर वह अलंकार है जिसमें अनुपस्थित व्यक्ति को या उनके विचारों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, स्टिंग मीन्स क्या होता है, रशी, ओ मृत्यु आपकी रशी कहाँ पर है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ये दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, तीसरा क्या है, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र होता है, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ओ कब्र तेरी जीत कहां पर है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, तो ये आपका एपोस्ट्रॉफी है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, मरे हुए व्यक्ति को या फिर निर्जीव वस्तु को या फिर उनके विचारों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, वो आपका होता है संबोधन अलंकार यानी कि एपोस्ट्रॉफी। अब हम बात करेंगे एपोस्ट्रॉफी और पर्सोनिफिकेशन में अंतर के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एपोस्ट्रॉफी और पर्सोनिफिकेशन में क्या अंतर है, तो पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव पदार्थ या वस्तु को सजीव मान लिया जाता है जैसा कि मैंने बताया, और एपोस्ट्रॉफी में क्या किया जाता है, निर्जीव पदार्थ या वस्तु को अनुपस्थित को संबोधित किया जाता है। ठीक, दोनों में अंतर समझिएगा, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है लेकिन छोटा ही अंतर है। पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव पदार्थ या वस्तु को सजीव मान लिया जाता है, ठीक, सिंपल सी चीज है कि निर्जीव पदार्थ या वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। और एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि निर्जीव पदार्थ या वस्तु तथा अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पर इनको समझ लेते हैं। एपोस्ट्रॉफी क्या, फेल्टी दाई नेम इज वुमेन, ये आपका एपोस्ट्रॉफी हो गया। पर्सोनिफिकेशन क्या है, द ट्रीज वेव्ड देयर आर्म्स इन जॉय, पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक, सिमिली को एक बार आप पढ़ लीजिए कि इसका डेफिनेशन है क्या, अगर आपने पढ़ लिया तो अब मैं पढ़ता हूं, और अब आप लोग इसके एग्जाम्पल लिखना, मुझे बताओ कि एग्जाम्पल क्या क्या आपको याद है, कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सिमिली का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, सिंपल तो सबके ही डेफिनेशन है, देखिए क्या है, अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और सो आर यूज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो आपको हिंदी में बताया था बस उसी को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया क्या। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common, in this figure of speech words of comparison as like or so are used, का मतलब हुआ सिमिली वह अलंकार जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक बात में समान हो, इस अलंकार में तुलना प्रकट करने वाले शब्द as like या so का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आप बताएं, देखिए एक एग्जाम्पल इसका, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जी बिल्कुल सही। देखिए मेटाफर क्या है, मेटाफर का डेफिनेशन इसी में फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड का मतलब हुआ कि मेटाफर वह अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाए, दो वस्तुओं की तुलना की जाए किंतु तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग न हो। अब एक इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट, इसका एग्जाम्पल बताइए, मैंने बताया आपको लाइफ इज अ ड्रीम, वेरी गुड, लाइफ इज अ ड्रीम, इसमें ना तो लाइक का यूज है, ना एज का यूज है, ना सो का यूज है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अपना पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को मैंने आपको हिंदी में क्या बताया था कि पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जी पर्सोनिफिकेशन मैंने मानवीकरण बताया था कि हिंदी मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर
thought as living beings. So personification is that figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings. इसका भी मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ, आप इसका भी एग्जांपल सोच करके रखिए कि पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। एग्जांपल बताइए आप लोग मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन का। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था, व्यवस्थित रूप से मैंने इसको डिफाइन किया था। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जितने लोग बता पा रहे हैं आप सबको शुभकामनाएं, आप लोग एक्टिव स्टूडेंट्स हैं और अच्छे स्टूडेंट्स हैं। फोर्थ है अपना एपिस्ट्रॉफी, जिसको हम लोग बोलते हैं संबोधन अलंकार। तो एपिस्ट्रॉफी क्या होता है समझिए इसको। एन एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सन ऑब्जेक्ट और आइडिया, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। चलिए उम्मीद करना आपको दिख रहा होगा। एन एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसका मतलब क्या हुआ? तो जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि जो एपिस्ट्रॉफी अलंकार है वह अलंकार है जिसमें मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को मानवीकृत पदार्थ या वस्तु या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधन किया जाता है। इसका भी एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, और मैंने क्या बताया था, ओ मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट इज दिस अर्थ। चलिए, और क्लास 12th में चैप्टर भी है ना, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ये एपिस्ट्रॉफी ही है जी। एपिस्ट्रॉफी का सबसे बड़ा पहचान होता है कि उसमें एपिस्ट्रॉफी लगा रहता है ना, इसी को एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। इसी समझ में आता है कि हमारा कौन सा अलंकार है, तो ये एपिस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच यानी कि संबोधन अलंकार है। चलिए बात करते हैं बाकी के बचे हुए तीन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन और एनोमेटोपोइया के बारे में, कि उसके डेफिनेशन क्या क्या हैं। ये सारे आप लिख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम फिफ्थ अपना देखते हैं। देखिए हाइपरबोल क्या होता है, तो हाइपरबोल को पहले बताया हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं ना। हाइपरबोल को क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन्स आर represented as greater or less, better or worse than they actually are. Hyperbole क्या होता है, तो hyperbole is that figure of speech in which things or persons are represented as greater or less, better or worse than they actually are. इसका मतलब क्या हुआ, hyperbole वह अलंकार है जिसमें वस्तुओं या व्यक्तियों को उसकी वास्तविक स्थिति से बड़ा या छोटा, अधिक अच्छा या अधिक बुरा प्रदर्शित किया जाता है। मैंने आपको ये बताया था, समझाया भी था, अभी पिछली वीडियो ही हमारी इसको लेकर के थी। तो इसके एग्जांपल आप बता दें फटाफट, बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, मैंने आपको बताया इसके बारे में। और क्या बताया था मैंने, बताइए, द डियर चीफ वाज माउंटेन हाई, ये भी मैंने बताया था, ठीक। चलिए तो आपके पांच फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो गया, बचे दो। आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं कि ऑक्सीमोरन और ओनोमेटोपोइया का डेफिनेशन क्या क्या है। देखिए ऑक्सीमोरन का क्या है, एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, यानी कि दो अपोजिट आइडिया को, दो विपरीत विचारों को क्या कर दिया जाए, एक साथ रख दिया जाए, वो ऑक्सीमोरन कहलाता है। दो विपरीत विचारों को एक साथ रख दिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीमोरन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास जो है वह अलंकार है जिसमें दो विरोधी विचार एक साथ व्यक्त किए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था आपको, लव इज बिटर स्वीट, जी हाँ, इसका मैंने व्याख्या भी किया था, डिफाइन भी किया था, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट फिगर ऑफ स्पीच जो की है ओनोमेटोपोइया, इसका मतलब होता है ध्वनि सूचक अलंकार। ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, यानी कि ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, का मतलब हुआ कि ओनोमेटोपोइया यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज से उसका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट हो जाए, ठीक। चलिए तो आपके फिगर ऑफ स्पीच में जो आप लोगों का टेंशन था कि सर मुझे आप इंग्लिश में डेफिनेशन बताइए,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे तो काफ़ी कम हो गया होगा आपका टेंशन, और आप लोग अब काफ़ी कुछ नया सीख चुके हो, तो आप लोगों को लिए इसके लिए बधाई। और बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे मिलेंगे, तो अब इंग्लिश ग्रामर में आपके मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ख़त्म करा दी, जैसे आपका टेंस हुआ। हेलो, वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।